आपको स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज़ में। मैं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिनभर की खास खबर। नगर की मेन रोड पर दुकानदारों द्वारा रख लिया जाता है सामान, वही बेतरतीब ढंग से खड़े होते हैं वाहन। पुलिस ने की चालानी कार्रवाई और दी समझाइश। विश्व एड्स दिवस से पूर्व गर्ल्स कॉलेज की एनसीसी छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली, एड्स से बचाव का दिया संदेश। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत नगरपालिका के माध्यम से हुए 10 जोड़ों के विवाह संपन्न, पर वधु को आशीर्वाद देने पहुंचे कलेक्टर व जनप्रतिनिधि। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा शहर की मेन रोड पर यातायात व्यवस्था सुचारू रहने के प्रयासों के चलते दुकानदारों को समझाइश दी गई। वहीं रोड पर रखा सामान दुकान में अंदर रखने की हिदायत भी दी गई। दुकानदार अपनी लक्ष्मण रेखा पार ना करें, रोड पर दुकान का सामान ना रखें, नियमों का उल्लंघन ना करें, पुलिस ने चेतावनी भी दी और वहीं चालानी कार्रवाई भी हुई। सड़कों पर रखे बेतरतीब वाहन मालिकों को भी समझाया गया। TI आशुतोष सिंह ने दी जानकारी। इसके लिए पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो ठीक है, और आम जनता को दिक्कत आती है। कहा बांध पे ही लोग गाड़ियाँ खड़ी कर चले जाते, और विदिशा शहर में वैसे ही रास्ता छोटा सकरा है तो लोगों ने दिक्कत आती है। इसके लिए प्रशासन जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, मगर अपन को भी जनहित के लिए सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। आम जन लोगों को हमें सहयोग करना चाहिए कि हमें अव्यवस्था ना हो लोगों को। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि शहर में जो भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, जिसके लिए लोगों को समझाइश दी जा रही है, व्यापारियों से अनुरोध किया जाता है, आम जनता को जागरूक भी किया जा रहा है, और जो व्यक्ति ज़्यादा लापरवाही पूर्वक वाहन इधर उधर लगाए उन पर चलानी कार्रवाई की जा रही है। मेरा आपके माध्यम से भी अनुरोध है, सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, व्यापारियों से भी और जो नागरिक हैं, कि आप गाड़ियों को व्यवस्थित रूप से लगाएं जिससे कि आम जन को आवागमन में दिक्कत ना हो, और यदि कोई इसके उल्लंघन करेगा तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। आजीविका मिशन द्वारा आज विदिशा में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। आजीविका मिशन अधिकारी ने बताया उसमें जाना चाहते हैं हम, कौन से प्रशिक्षण चाहिए हमें, है ना, और क्या हमें ऑफर मिल सकता है। ऐसे प्रशिक्षण है बहुत सारे जो चलते रहते हैं, उसके बारे में उनको नॉलेज मिल जाए, फिर अपन जो जिला स्तरीय रोजगार मेला करेंगे उस। हाँ चर्चा करते हुए बता दे, डिस्कशन कर डिस्कशन कर। हम ज्ञान सिंह लोधी है जी। ये कौन सा विभाग है? ये आजीविका मिशन के अंतर्गत आज एक काउंसलिंग के लिए अपन ने एक रोजगार मेले का खंड स्तरीय आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं, जिसमें काउंसलिंग के माध्यम से अपन लोगों के जो बच्चे हैं शिक्षित उनसे काउंसलिंग करेंगे कि वो किस चाहते क्या है। जैसे मान लो वो चाहते कि हमें प्रशिक्षण में जाना है, कोई बोले अगर नहीं मुझे तो अच्छा सा कोई कंपनी में नौकरी मिल जाए, तो एक काउंसलिंग के रूप में एक आयोजन किया गया छोटे रूप में। लगभग कितने लोग इसमें शामिल हुए? अभी चल रहा है पूरा दिन का कार्यक्रम है, इसमें अपने 150-200 लोग शामिल हो जाएंगे। अभी क्या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आ रहे हैं, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आएंगे। कहाँ से हैं आप लोग? विदिशा से।
जी आज कौन से विभाग में आए और काय के लिए आए? ये रोजगार मेला लगा है तो पता चला था, तो इसलिए आए थे। यहाँ पे काफ़ी कंपनीज आई हुई हैं तो उनके बारे में अप्लाई करने के लिए आए हैं। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन फिलहाल तो 12th पास हूँ और नीट की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी सिस्टर को लेके आया था, उसको दिलाना था। तो क्या कुछ लग रहा है आपको उम्मीद कि यहाँ से कुछ हमारे लिए? ऑब्वियसली ये बढ़िया लगा, यहाँ पे हेल्थ केयर के बारे में इलेक्ट्रिकल से अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा आज विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन का सचिव जिला विदिशा का हमारे जी, आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन एवं माननीय मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है। ये आज का ज्ञापन हमारे डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन की बहुप्रतीक्षित चार सूत्रीय मांगों को लेकर है, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है वो पहली, वो हमारे नरेगा और अन्य विभागों में संविदा पर कार्यरत जो हमारे सब इंजीनियर्स हैं उनको नियमित पदों के विरुद्ध जो है वो नियमितीकरण उनका किया जाए। दूसरी मांग ग्रेड पे को लेकर है, जो 3200 का ग्रेड पे उपयंत्रियों को दिया जा रहा है उसको बढ़ाकर 4200 का ग्रेड पे किया जाए। तीसरी हमारी जो मांग है वो उपयंत्रियों के अपने संपूर्ण सेवा काल में एक अनिवार्य पदोन्नति देने के संबंध में है। बहुत सारे सब इंजीनियर्स हमारे जो है वो सब इंजीनियर के पद पर ही 30-30, 40-40 साल की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई पदोन्नति नहीं मिलती है। चौथी हमारी मांग जो है वो निचले पदों पर विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हमारे जो कार्मिक हैं उनको उपयंत्री पद पर पदोन्नत किया जाए। ये हमारी चार सूत्रीय मांगें शासन से हैं और अनुरोध है कि शासन ये हमारी मांगों को मांगने का, अगर नहीं मानता है तो जनवरी से हम विशाल सेना अध्यक्ष मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ये अभी ज्ञापन दिया है चार सूत्रीय मांगों का, और इसके बाद हमें आगे 20 जनवरी से हमारा अगला कार्यक्रम धरना प्रदर्शन आदि का संभाग लेवल पर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसकी हम अभी एक सरकार को चेतावनी है कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए। शासकीय गर्ल्स कॉलेज की एनसीसी की छात्राओं द्वारा विश्व एड्स दिवस से पूर्व जागरूकता रैली नगर में निकाली गई और एड्स से सुरक्षा का संदेश भी दिया गया। बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स की स्टूडेंट्स शामिल रहीं। डॉक्टर विनीता प्रजापति लेक्चरर ने दी जानकारी। डॉक्टर विनीता प्रजापति है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज विदिशा में हूँ एज ए एनसीसी ऑफिसर। आज क्या कार्यक्रम है सर? आज एड्स के दिवस के उपलक्ष्य में हमने रैली निकाली थी। चूँकि एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है विश्व एड्स दिवस, लेकिन शासन के निर्देशानुसार 1 से 15 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता रैली निकालना, शपथ दिलाना, लोगों को जागरूक करना, एड्स से बचाव के उपाय बताना, उसके लक्षण बताना, इस महामारी से, इस गंभीर बीमारी से कैसे दूर रहा जा सकता है, इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे। उसी कार्यक्रम के तारतम्य में आज हमारे एनसीसी कैडेट्स ने शासकीय कन्या महाविद्यालय से लेकर ईदगाह चौराहे तक हमने एड्स जागरूकता रैली निकाली। छात्राओं ने हमारे वंदे मातरम भारत माता की जय के साथ रैली की शुरुआत करते हुए एड्स संबंधी विभिन्न स्लोगन को बोलते हुए सभी को जागरूकता के लिए कहते हुए रैली निकाली और ईदगाह चौराहे तक ले गई। छात्राएं पूरे जोश के साथ नारे लगाती गईं, एड्स से बचाव कैसे किया जा सकता है, एड्स से कैसे दूर रहा जा सकता है, इस संबंध में छात्राओं ने अपने अपने नारे लगाते हुए सभी को जागरूक किया। धन्यवाद। जय हिंद। नगरपालिका कर्मचारी संघ के माध्यम से महगांव के लिए पदयात्रा निकाली जाएगी, जहां विराजमान श्री हनुमान जी के दरबार में पहुंचेगी। हनुमान भक्त कृष्णकांत आचार्य ने दी जानकारी।
के आचार्य, अध्यक्ष नगर पालिका कर्मचारी संघ नगरीय निकाय प्रपोज जिला विधि। ये कौन सी संस्था है आपकी जो प्रति वर्ष छीन दरबार के लिए आप पैदल यात्रा ले जाते हैं? क्षमा, ये छीन दरबार यात्रा नहीं है, ये महंगाव के लिए एक पद यात्रा है जहाँ बालाजी हनुमान जी महाराज का स्थान है। नगर पालिकाओं में विगत माहों में कुछ अत्यधिक मात्रा में लोग कर्मचारियों को स्वर्गवास हो गया, कर्मचारियों के मन में थोड़ा भय का वातावरण रहता है, उसको दूर करने के लिए नगर पालिका कर्मचारी संघ की ओर से दिनांक 17 तारीख को बाईपास से गौरी महाराज गार्डन राधा कृष्ण मंदिर की से सभी कर्मचारी शांति एवं नगर के और गणमान्य लोग नगर के कल्याण के लिए, नगर के उत्थान के, नगर पालिका के उत्थान के लिए सर्व कल्याण भावना करके बालाजी धाम की यात्रा की जाएगी। जो पदयात्रा छीन दरबार की रही, कितने किलोमीटर की यात्रा आप तय करेंगे? छीन दरबार नहीं, महगांव की पदयात्रा है ये, 10-12 किलोमीटर एक दिन की रहेगी। छीन दरबार पदयात्रा जनवरी में प्रति माह जाती है, वो यथावत रहेगी। जिला स्वास्थ्य विभाग पदस्थ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जिला अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें स्थायी नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे धरने से नहीं हटेंगे। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और कर्मचारी से हुई चर्चा। संबंध में आप लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया? हम लोग संविदा कर्मचारी हैं, मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ और बाकी सारे विदिशा डिस्ट्रिक्ट के सारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स आए हैं। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए, जैसे कि हम लोग जो CHOs हैं, जो हम गवर्नमेंट के लिए जो सुविधाएँ दे रहे हैं, जैसे आज थर्सडे है, हम लोग ANC क्लिनिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग यहाँ हड़ताल पर हैं, उसकी वजह से सारे गर्भवतियों का जो ANC क्लिनिक है वो प्रभावित होगा। टेली कंसल्टेशन हम लोग करते हैं वो कार्य प्रभावित होगा। देन NCD स्क्रीनिंग हम जो करते हैं, जिसमें हाइपरटेंसिव और डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट रहते हैं, TB पेशेंट्स हैं, ये सारी सुविधाएं हम लोगों के ना होने से ये सारे कार्य प्रभावित होंगे। संविदा पर नौकरी करते करते कितने उम्र हो चुकी है आपकी? मेरे को पर्टिकुलर तो 2 साल हुए, बट बाकी जो हमारे जो साथी हैं उनको 3 साल हो गए, उनका बॉन्ड भी कंप्लीट हो गया है और अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं हो रहा है। जो हम लोग संविदा कर्मचारी हैं, जैसे CHOs हैं, हम लोगों का PBI होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, वो भी काफ़ी कार्य हम लोगों का प्रभावित हो रहा है, जिसमें 15,000 रुपये अदर स्टेट में उसको सैलरी से मर्ज किया गया है, जिसमें 40,000 होता है, बट MP में वो भी नहीं हुआ है। जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, जैसे कि राजस्थान में उनको परमानेंट कर दिया गया है और MP में हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। द्विवेदी संविदा स्वास्थ्य संघ जिला विदिशा का जिला अध्यक्ष हूँ। आज आप लोग कहाँ पर बैठे हैं और आपकी क्या क्या मांगे हैं? हम जिला चिकित्सालय परिसर के गेट पर बैठे हुए हैं धरने पे, और हमारी मांग ये है कि 5 जून 2018 को जो नीति माननीय शिवराज सिंह जी ने लागू करी थी, जो कैबिनेट में भी लागू है, उसके बाद भी आज तक हमको नियमित नहीं किया गया और अब ये अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी, जब तक नियमित नहीं होंगे यहाँ से उठेंगे नहीं। विदिशा और विदिशा के अलावा मध्य प्रदेश में लगभग कितने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं? मध्य प्रदेश में लगभग 35,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और विदिशा में 650 कर्मचारी हैं, सभी ग्रेडों में लगे। विदिशा नगर पालिका के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत 10 जोड़ों का विवाह संपन्न कराएगा। हिंदू रीति रिवाज से 9 विवाह संपन्न हुए, वहीं 1 जोड़े का निकाह हुआ। इस अवसर पर सामाजिक न्याय विभाग व नगर पालिका प्रशासन सहित अधिकारीगण उपस्थित थे। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, जिला पंचायत CEO और जन प्रतिनिधि भी शामिल हुए और वर और वधु को शुभाशीष दिया। आप गूगल करें, गूगल भेज रहे हैं सब लोग।
इस क्रम से चार बार दूल्हे के हाथ में जल दे करके और पृथ्वी पर छुड़ा दें। अर्घो अर्घ अर्घ अर्घे प्रतिग्रहणाति दूल्हा के हाथ में जल दें पान से और चार बार देना है दूल्हा उस जल को पृथ्वी पर गिरा दे जाए। पहले एक बार दीजिए एक बार जल गिर कन्या विवाह और निकाह योजना, इसके अंतर्गत आज 10 जोड़ों की जो है सामूहिक विवाह के अंतर्गत विवाह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पुरानी नगर पालिका का जो ये हॉल है उसके अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आप जैसा कि देख पा रहे हैं सभी जोड़े बैठे हुए हैं और मंत्रोच्चार के साथ विवाह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इसमें दहेज में क्या क्या सामग्री इनको उपलब्ध कराई जा रही है? इसमें दहेज में जो लिस्ट है लगभग 38,000 रुपये की सामग्री दी जाती है और साथ में 11,000 रुपये का नगद या चेक के माध्यम से होता है। जो नगद राशि है वो इनके खाते में DBT के जरिए अंतरित की जा रही है और शेष सामग्री इनको उपलब्ध कराई गई है। कितने निकाह और कितने विवाह हो रहे हैं? एक निकाह है और 9 विवाह है। सर कुछ पार्षदों का ये कहना है कि निर्दलीय पार्षद विवाह का ये कहना है कि इसने नगर पालिका कर पा रही है, पार्षदों का भी फोटो होना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं दिखा जा रहा है, तो उसमें क्या कहना है? देखिए कार्यक्रम मुख्य रूप से जो है ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है और जो बैकड्रॉप आया है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। पार्षद के फोटो की बात जहाँ तक है, क्योंकि ये वार्ड स्तरीय कार्यक्रम नहीं है नगर स्तरीय कार्यक्रम है, तो नगर स्तरीय में नगर स्तरीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी फोटो में लगाई गई है। यहाँ पे सामूहिक विवाह हो रहा है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के। कितने जोड़े शामिल हुए हैं? 10 जोड़े शामिल हुए हैं और हम सारे पार्षद लोग, नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश भाई साहब, हमारे माननीय शिवराज सिंह जी का ये बड़ा आशीर्वाद है हमारी बेटियों पर कि वो इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, इस तरह की शादियां करते हैं जिससे हमारी बेटियों का भविष्य संवरता है। और सर आज तब जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला विदिशा, आज नगर पालिका की जो पुरानी नगर पालिका यहाँ पर क्या कार्य चल रहा है? आज माननीय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत यहाँ पर 10 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 9 हिंदू समाज के और 1 मुस्लिम समाज का जोड़ा का विवाह समारोह यहाँ हो रहा है। सभी लोग मिलकर इस विवाह को कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी है, अधिकारी वर्ग भी है, जनता के साथ लेकर ये काम किया जा रहा है। सामग्री क्या क्या सामग्री दी जा रही है? सामग्री जो सरकार के द्वारा नियुक्त है उसके साथ साथ सेवाभावी लोग, समाज सेवी लोग अपनी ओर से भी जो उनको मन में आ रहा है वो देना दे रहे हैं, चाहे गहने हों चाहे बर्तन हों, अन्य जो चीज़ें हैं वो सब लोग हर जोड़े को दिया जा रहा है। तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही, शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।